जय माता दी। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज के अल्लापुर में और यहाँ पे स्थित है शिवाजी पार्क। यहाँ पे दुर्गा पूजा हर साल वर्ष मनाई जाती है और दोस्तों इस बार बहुत ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। अपने सामने आप पंडाल देख पा रहे हैं, इतना खूबसूरत यहाँ पंडाल बनाया गया है और सब लोग इसको बता रहे हैं हाथी के चारे से बनाया गया, लेकिन क्या बनाया गया पता किसी को नहीं है। तो गाइस मैं बता दूं आपको, ये 2016 में ऐसे ही सेम टू सेम पंडाल बनाया था कटघर में 2016 में, और उसका नाम था महेंद्रगढ़ का किला। और गाइस अपने सामने आप देख रहे हैं, बस उसमें क्या था, उसके जो फर्स्ट फ्लोर मतलब ऊपर का भाग वो सेम टू सेम वैसा ही, लेकिन इसमें और उसमें क्या अंतर, इसमें नीचे का जो डिजाइन है वो अलग हो गया है और उसमें का अलग था। और यहाँ बताया जा रहा है हाथी के चारे से बनाया गया। और गाइस देख सकते हैं हाथी का चारा, आप समझ पाए मतलब हाथी जो खाती है वही होता है हाथी का चारा। और गाइस अब आपको ले चलते अंदर और दिखलाते यहाँ पे कितनी प्यारी माता की प्रतिमा आई है, और देख सकते हैं कितनी ज्यादा लोग यहाँ पे आए भारी मात्रा में यहाँ पे दुर्गा माता का आशीर्वाद लेने। और देख सकते हैं पहले यहाँ पे सीढ़ी चढ़ के जाना फिर उतर के जाना, और राइट साइड में आप माता रानी दर्शन करेंगे और लेफ्ट साइड में अपने जो आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत यहाँ पूरा पंडाल बनाया गया, 100% इको फ्रेंडली पंडाल है। और दोस्तों देख सकते हैं कितनी ज्यादा इस समय भीड़ है, और लगभग हम लोग यहाँ पे 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद हम लोग को लग रहा है माता रानी का आशीर्वाद हम लोग जल्दी ही मिलने वाला है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे यहाँ पे लाइन चल रही है। हर कोई चाहता है माता रानी का अच्छे से आशीर्वाद लेना और अच्छे से दर्शन करना। और फाइनली गाइस हम लोग 15 मिनट बाद हम लोग भी माता रानी का आशीर्वाद लेने पहुंच चुके हैं। अगर आप लोग यहाँ नहीं आ पाए तो आप लोग माता रानी का आशीर्वाद ले लें। और भाई लोग आप देख सकते हैं कितना ही प्यारे यहाँ पे झूमर बनाया गया है, पूरा 100% इको फ्रेंडली तरीके से बनाया गया, पूरा हाथ से बनाया गया, कोई इसमें वो यूज़ नहीं किया गया, इसमें सिर्फ LED बल्ब लगाएगा। और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है इस समय, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग आए, हर कोई चाहता है बस माता रानी का आशीर्वाद लेना। और माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद आपको पीछे गेट से आप बाहर निकाल देंगे, फिर आप मेन रोड पे आ जाएंगे।